हेलो वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया की 1.7 अपडेट की ऑफिशियल रिलीज डेट के बारे में। प्लस गाइस यहां पे बात करने वाले M4 रॉयल पास कौन से दिन को रिलीज होगा, प्लस यहां पे जो है M4 RP कब लॉक होगी, एंड साथ ही यहां पे जो है C1S3 में टीयर रीसेट किस हिसाब से होने वाला है, तो उसके ऊपर बात करने वाला। सो वीडियो को जरूर से वॉच करना, एंड अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब कॉल पर जरूर से कर लेना। वी आर वेरी क्लोज टू 5K सब्सक्राइबर्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1.7 अपडेट के रिलीज डेट के बारे में। तो पबजी वाले का आपको पता है यहाँ पे 16 नवंबर को अपडेट आ जाएगा, बट BGMI का आपको पता है लास्ट टाइम यहाँ पे 1.5 एंड 1.6 जो अपडेट है वो कुछ दिन डिले आया था। बट अब यहाँ पे जो BGMI का अपडेट है ना, वो ऑफिशियली जो है उसकी रिलीज डेट जो अनाउंस कर दी गई है BGMI ने, तो यहाँ पे जो अपडेट है ना वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 19 नवंबर को। एंड ये जो चीज़ है बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया ने खुद ऑफिशियली जो अनाउंस कर दिया, ये जो आर्केन लीग ऑफ लेजेंड्स के साथ जो यहाँ पे कोलैबोरेशन है उसका टीजर में। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में खुद बता देते हैं कि यहाँ पे जो एक्सक्लूसिवली ऑन 19 नवंबर आपको जो आर्केन लीग ऑफ लेजेंड्स मोड एंड जो अपडेट है वो तो आपको देखने को मिल जाएगा उसी दिन। एंड गाइस एस यहाँ पे जो अपडेट डिले हो रहा है 1.7 अपडेट का BGMI का, तो यहाँ पे जो भी अदर थिंग्स है लाइक एना कैरेक्टर जो कि यहाँ पे 16 नवंबर को आपको पबजी मोबाइल में देखने को मिलेगा, क्योंकि पबजी मोबाइल की उस दिन अपडेट आ जाएगी, न्यू अपडेट में ही देखने को मिलेगा। तो BGMI में आपको 19 नवंबर को एना कैरेक्टर देखने को मिलेगा, प्लस जो भी यहाँ पे न्यू कूपन इवेंट एक्सचेंज आ रहा है वो भी आपको 19 देखने को मिलेगा। एंड जो भी चीज़ें वो डिले हो जाएंगी क्योंकि BGMI का अपडेट ही डिले आ रहा है। अब गाइस बात करते हैं M4 रॉयल पास की यहाँ पे एंड या RP लॉक डेट के बारे में। तो यहाँ पे हम रॉयल पास में जाके देखे थे, जो हमको डेट देखने को मिलती है वो है 18 नवंबर UTC+0। अब इस टाइम को अगर हम चेंज करेंगे तो इंडियन टाइम में, तो यहाँ पे डेट भी चेंज होती है प्लस टाइम भी चेंज हो जाता है। अब उसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रॉयल पास मंथ 4 है वो यहाँ पे आपको लॉक देखने को मिल जाएगा उसका RP लॉक, जो कि यहाँ पे 19 नवंबर को 5:30 AM पे इंडियन टाइमिंग है। इसको आप चाहो तो अगर दूसरी कंट्री से देख रहे हो पाकिस्तान बांग्लादेश, तो अपने टाइमिंग के हिसाब से जो इसको कन्वर्ट कर सकते हो गूगल की हेल्प से। यहाँ पे आपको पता है कुछ M4 रॉयल पास के आइटम्स होते हैं लाइक यहाँ पे जो RP बैजेस, उसके साथ साथ यहाँ पे जो ड्रॉप सप्लाईज होती हैं रॉयल एडवेंचर से जो आपने लिए हैं, प्लस जो RP एक्सेस है, तो वो यहाँ पे आप कब तक कर सकते हो, ठीक है, तो यूज़ कब तक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ जो टाइमिंग है वो सेम ही है यहाँ पे 19 नवंबर 5:30 AM, उससे पहले आप जो चाहो कर सकते हो M4 रॉयल पास में, क्योंकि उसके बाद जो आपको एक्सेस नहीं मिलेगा एंड जो RP रॉयल एडवेंचर है वो भी एक्सपायर कर जाएगा जो भी बैजेस या फिर जो ड्रॉप्स हैं। एंड जब बात करते हैं यहाँ पे M5 रॉयल पास की रिलीज डेट के बारे में, तो यहाँ पे जो M5 रॉयल पास होगा मंथ 5 का, सो यहाँ पे आप देख सकते हो मिरर रियलम उसका थीम होने वाला है। एंड ये जो रॉयल पास है उसकी रिलीज डेट की बात करें, सो गाइस वो है यहाँ पे हमारी 19 नवंबर 7:30 AM IST। तो यहाँ पे आपको 19 नवंबर को देखने को मिल जाएगा 7:30 AM, 2 घंटे के RP लॉक के बाद। तो गाइस काफ़ी लोग यहाँ पे रैंक पुश करते हैं सीजन के एंड में, तो उनके लिए मैं यहाँ पे टाइमिंग बताता हूँ C1S2 कब एंड होगा, रैंक पुश डेट कब है लास्ट। तो यहाँ पे जो लास्ट रैंक पुश कर पाओगे वो है यहाँ पे 19 नवंबर 5:30 AM, उसके पहले आप कर सकते हो, उसके बाद क्योंकि अगर आप कोई मैच भी खेलोगे तो आपका काउंट होगा बट आपका प्लस माइनस नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर C1S3 की रैंक पुश डेट के बारे में बात करें, एंड यहाँ पे जो न्यू सीजन कब आएगा, तो वो यहाँ पे आएगा 19 नवंबर 7:30 AM, 2 घंटे के बाद ही आपको देखने को मिल जाएगा। अब गाइस बात करते हैं हमारे यहाँ पे C1S3 के यहाँ पर टीयर रीसेट के बारे में। तो C1S2 में अगर आप यहाँ पे एस पे हो तो C1S3 में कौन सी रैंक पे आओगे उसके बाद बात कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारे गोल्ड से, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर यहाँ पे ब्रॉन्ज पे तो कोई होता नहीं है। तो अगर यहाँ पे गोल्ड 5 से लेकर यहाँ पे 2 के बीच में, तो यहाँ पे आप सीधे C1S3 में गोल्ड 5 पे आ जाओगे। इसके बाद अगर यहाँ पे आप गोल्ड 1 से लेके प्लैटिनम 5 के बीच में हो, तो यहाँ पे आप C1S3 में गोल्ड 4 पे आ जाओगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप प्लैटिनम 3 से लेके प्लैटिनम 1 के बीच में, तो यहाँ पे C1S3 में आप यहाँ पे आओगे गोल्ड 3 पे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे डायमंड 5 से लेके यहाँ पे डायमंड 3 के बीच में, तो यहाँ पे C1S3 में गोल्ड 2 पे आओगे। उसके बाद यहाँ पे डायमंड 2 से लेके डायमंड 1 पे हो, तो यहाँ पे आप C1S3 में गोल्ड 1 पे आओगे। तो अगर यहाँ पे C1S2 में क्राउन 5 क्राउन 4 पे, तो यहाँ पे C1S3 में प्लैटिनम 5 पे आओगे। एंड यहाँ पे अगर आप क्राउन 3 से लेके यहाँ पे क्राउन 2 पे हो, तो यहाँ पे आप प्लैटिनम 4 पे आओगे C1S3 में। सो अगर आप यहाँ पे क्राउन 1 पे, तो प्लैटिनम 3 पे आ जाओगे C1S3 में। एंड उसके बाद यहाँ पे एज पे हो एंड यहाँ पे आपके 4200 से लेके 4700 के बीच में पॉइंट्स हैं, तो C1S3 में प्लैटिनम 2 पे आओगे। एंड सेम यहाँ पे एज मास्टर के साथ अगर आप 4700 से लेके यहाँ 4800 तक पॉइंट्स हैं आपके, तो प्लैटिनम 2 पे आओगे C1S3 में। उसके बाद अगर हमारे लास्ट ईयर आते हैं वो यहाँ पे एज मास्टर 4800 पॉइंट्स से लेके 5200 पॉइंट्स, एंड साथ ही यहाँ पे एज डोमिनेटर जो कि 5200 पॉइंट्स पे, एंड यहाँ लास्ट है कॉन्करर, तो इन टीयर पे हो तो यहाँ पे आप प्लैटिनम 1 पे आ जाओगे C1S3 में। तो गाइस ये तो पूरा इन्फॉर्मेशन C1S3 एंड यहाँ पे रॉयल पास रिलेटेड। सो गाइस आई होप आपको जो वीडियो पसंद आएगी, आई तो लाइक करके आना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट शेयर जरूर से कर देना। तो मिलता है आपको वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।